जी बहुत मज़ेदार किस्म के स्पाइसी किस्म के चिप्स तैयार किए हैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ मेथड के साथ, जो आज से पहले शायद आपने कभी ना खाए हों। तो चलिए मैं तैयार करती हूँ इसको, कि मैंने कैसे तैयार किया आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए देखने से पहले ही। तो चलिए आइए क्रिस्पी किस्म के बहुत यूनिक से चिप्स तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशो खुरम होंगे। आज हम बना रहे हैं जी आलू के चिप्स, लेकिन ये कुछ मुख्तलिफ चिप्स होंगे, कुछ डिफरेंट तरीके से हम बना रहे हैं, स्पाइसी किस्म के, और बहुत ही मज़ेदार होंगे, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 अदद आलू बड़े साइज़ के लेकर छीले हैं, ये वो खुरचने वाले आलू थे, इनको छीलकर मैंने बस और 3-4 पानियों में धो लिया है, और इस तरह गोल गोल सा काट लिया है थोड़ा सा। ये देखें इसकी मोटाई आप देख सकते हैं कि कितनी है, इसको मैंने काट लिया है। आधा कप मैंने मैदा ले लिया है। स्पाइसेस में हमारे पास है साबुत धनिया है 1 खाने का चम्मच, मोटा मोटा सा मैंने दरदरा सा पीस लिया है। 1 चाय का चम्मच अदरा मिर्च है भर के ली है। 1/8 चुटकी मैंने अजवाइन की ले ली है। 1/2 चाय के चम्मच ज़ीरा है, ये साबुत ही है, इसको मैंने पीसा नहीं है। और 1 से थोड़ा सा कम चाय का चम्मच जो है वो नमक है, ये हम इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, बहुत ही मज़ेदार होंगे ये। और कढ़ाई में मैंने घी भी रखा हुआ है गर्म होने के लिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएं। इनको साइड पे कर देते हैं। एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, इसमें डालते हैं आलू। ठीक है जी, ये देखिए आलू मैंने डाल दिए हैं, और इस पर मैं डालूँगी इस तरह ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा मसाला, इस तरह मसाला डालकर, और मैं इसको इस तरीके से ऐसे कर करके मिक्स करती रहूँगी और फिर मसाला डालती रहूँगी। ठीक है जी, इस तरह ये सब जगह अच्छा सा लग जाएगा। देख सकते हैं आपके जहाँ जहाँ से खाली है मैं वहाँ पर लगाती रहूँगी, और इस तरह मैं इसको बहुत अच्छा सा कोटिंग हो जाएगी इसकी, मैं कर लूँगी, हाथों से नहीं करूँगी फ़िलहाल। तमाम मसाला जो है वो लग गया है, और अगर आपका मसाला सही तरीके से नहीं चिपक रहा तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा देकर इसको, और इसको इसी तरह से इसकी कोटिंग कर लें। ये हो चुका है तैयार। अब इसको फ्राई करने के लिए हम लेके आते हैं कढ़ाई में, और कढ़ाई में जो है वो घी हो चुका है गरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक करके डालें या दो दो डालें, आराम आराम से डालते रहें। ये देखें इतने ज़बरदस्त चिप्स आपने शायद कभी ना खाए हो पहले, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़े से गोल्डन कलर के करके आप इसको उतारिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी मज़ेदार किस्म के होंगे। जितने आते हैं कढ़ाई में उतने डाल दें, फटाफट झटपट सी बन जाएंगे। निकालते हैं इसको गोल्डन से करके जी। तो देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के हमारे स्पाइसी क्रिस्पी जो है वो चिप्स तैयार हो गए हैं। ये जो है थोड़े से मैंने ज़्यादा ब्राउन किए हैं, इसको ज़्यादा क्रिस्पी किया है, ये देख सकते हैं, और ये मैंने थोड़ा सा लाइट में ही निकाल लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत क्रिस्पी हैं, ये देखें आवाज़ सुने इनकी कि कितनी क्रिस्पी है। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।